देश में कोरोना महामारी कंट्रोल हो रही है। बीते दिन में यहां 62,176 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। 1,07,710 संक्रमित ठीक हुए और 2,539 की मौत हो गई। इस तरह एक्टिव केस यानी इलाज करा रहे मरीजों की संख्या में 48,090 की कमी हो गई। बीते 15 दिनों में एक्टिव केस में 10,30,587 की गिरावट दर्ज की गई। 1 जून को देश में 18,90,949 संक्रमितों का इलाज चल रहा था। अब यह आंकड़ा 8,60,362 तक पहुंच गया। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना की रफ्तार पर लगातार ब्रेक लगता जा रहा है। दिल्ली में अब पॉजिटिविटी रेट 0.32% पर पहुंच गया। राष्ट्रीय राजधानी में मंगलवार को कोरोना के 228 नए मामले सामने आए और इस दौरान 12 लोगों की मौत भी हुई। दिल्ली में कोरोना के एक्टिव मामले भी 5,000 के नीचे आ गए। शहर में अब तक संक्रमण के 14,31,498 मामले सामने आ चुके हैं, जबकि 24,851 लोगों की इस वायरस की चपेट में आने से मौत हो चुकी है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में लॉकडाउन में ढील दिए जाने के बाद डॉक्टरों ने आगाह किया कि कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं करने पर आने वाले दिनों में हालात दूसरी लहर से भी बदतर हो सकते हैं। अपोलो अस्पताल के वरिष्ठ डॉक्टर सुरंजीत चटर्जी ने चेतावनी दी कि अगर लोग सुरक्षा मानदंडों का पालन नहीं करते हैं और मानदंडों का सख्ती से पालन नहीं किया जाता है तो हम फिर से परेशानी में घिर सकते हैं। देश भर में अभी तक कोरोना वायरस का आंकड़ा 2,96,00,000 के आंकड़े को पार कर चुका है। वहीं कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के दौरान देश में आंकड़े काफी तेजी से बढ़े हैं। फिलहाल एक स्टडी में खुलासा हुआ है कि कोरोना वायरस के डेल्टा वेरिएंट अब तक सबसे ज्यादा खतरनाक है और लोगों को संक्रमित कर रहा है। स्कॉटलैंड में कोरोना वायरस पर हुई एक रिसर्च में कहा गया कि भारत में संक्रमण की दूसरी लहर के दौरान डेल्टा वेरिएंट ने सबसे ज्यादा नुकसान पहुँचाया। भारत में 14 जून को कोविड टीकाकरण अभियान के 150 दिन पूरे हो गए। देश में अब तक 25.90 करोड़ लोगों को टीका लगाया जा चुका है। इसमें दिन प्रतिदिन औसतन 17.26 लाख खुराक दी जा रही है। इस दर के हिसाब से सभी वयस्क आबादी को आंशिक रूप से टीका लगवाने में लगभग 78 सप्ताह या 18 महीने लगेंगे।